तो आज के वीडियो में इस एलईडी बल्ब को रिपेयर करने वाले हैं। इस एलईडी बल्ब को आज से पहले आप कभी रिपेयर नहीं किए हैं या फिर आप देखे नहीं होंगे कि इसमें ये डिजाइन का ये वायर किस में लगा है, किस तरह से ये एलईडी बल्ब ग्लो करता है, इसका क्या प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। ये बल्ब हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया हुआ है जो एक किसान भाई का ये स्प्रे टंकी का ये बल्ब है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये हमारा इसमें देखिए, इस बल्ब में देखिए इस तरह का डिजाइन इसमें है और यहाँ पे ये वायर है, यहाँ पे केबल देख सकते हैं ऐसा। तो इसमें देखिए ये आपको क्या पता हो सकता है कि इसमें हमारा डायरेक्ट एसी से चलता है या फिर देख सकते हैं ये हमारा बैटरी से चलता है, ये सब कुछ मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और इस एलईडी बल्ब में ऐसा क्या फॉल्ट हो गया होगा जो इसको मैं अभी रिपेयर करके भी, इसके अंदर में क्या क्या कंपोनेंट होता है हमें भी नहीं पता है, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एलईडी बल्ब को रिपेयर कर लेते हैं तो इसको भी कर ही लेंगे। तो चलिए, इसमें ये वायर जुड़ा हुआ है और इसमें देखिए इस तरह से है, और देखिए इस एलईडी बल्ब के ऊपर में कुछ भी इसमें लिखा नहीं हुआ है, देख सकते हैं। बस इसमें इसका कवर जो इसके साथ में दिया हुआ है, इस कवर को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसका कवर इस तरह से दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर राहुल लिखा हुआ देख सकते हैं, इसका कवर है और सेम एलईडी बल्ब और सेम ये इसके अंदर में यही है कंपोनेंट, यही एलईडी बल्ब को मैं रिपेयर करूंगा। इससे हमें ये साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा 7 वाट लिखा हुआ है एलईडी, देख सकते हैं। ये बल्ब जो होता है, जो किसान भाई अपना स्प्रे टंकी को जब फुल चार्ज करते हैं तो उस समय क्या होता है, इसको आप चेक कर सकते हैं इस बल्ब के द्वारा कि हमारा बैटरी जो है कितना हमारा चार्ज हुआ है, तो उससे हमें ये ग्लो करता है, उससे एक पता हमें ये चलता है। अगर शाम के टाइम में भी, अगर रात के टाइम में भी, अगर कहीं पे स्प्रे करते समय अगर आपको लाइट की ज़रूरत पड़ जाता है तो उस कंडीशन में आपको ये लाइट इमरजेंसी में इस लाइट को भी आप जला के स्प्रे कर सकते हैं, ये कुछ इमरजेंसी पार्ट है ये। तो ये देखिए इस एलईडी बल्ब का यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है इसका, ये देख सकते हैं इसमें सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए इस एलईडी बल्ब को मैं किस तरह से रिपेयर करता हूं, तो यहां पे सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। आज से पहले कभी आप रिपेयर नहीं किए हैं तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा, किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप कर जाएंगे तो आपका कोई भी एलईडी बल्ब आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे, जिससे आप समझ ही नहीं पाएंगे तो आप रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस तरह का एलईडी बल्ब भी रिपेयर करके आपको दिखाने वाला हूं जो आप पहले कभी नहीं किए हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह से जो किसान भाई हैं वो भी देख के इस समस्या को हल कर पाएंगे इस एलईडी बल्ब का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो, हम रिपेयरिंग से संबंधित अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए हर दिन अपलोड करते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, साइड में कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं स्प्रे जो टंकी है यहाँ पे हमारे पास में रखा हुआ हूँ, क्योंकि आपको चेक करके ही दिखाऊंगा। यहाँ पे स्प्रे जो टंकी है और इसका यहाँ पे इसका केबल लगने का जगह है। तो देखिए इसका जो सॉकेट है, यहाँ पे देख सकते हैं इस सॉकेट में डायरेक्ट हमारा ये बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट होता है, ये हमारा एसी से नहीं होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जिसको पता है स्प्रे टंकी का जो किस तरह से होता है, चलाते हैं, उन लोगों को पता है, जिन लोगों को पता नहीं है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये बल्ब जो है ये ग्लो नहीं कर रहा है, तो इसका रीज़न क्या है ये यहाँ पे आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ। तो इसका सॉकेट में यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया, और लगाने के साथ में भी देखिए यहाँ पे कुछ भी ग्लो नहीं कर रहा है इस एलईडी बल्ब को। चलिए इसका सॉकेट से इसको बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर इस टंकी को भी आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। आपको आप यहां पे देख सकते हैं इसका जो टंकी है, इस तरह से इसमें सारा कुछ इसमें लिखा रहता है। तो यहां पे देखिए इसका जो एलईडी बल्ब का यहां पे देख सकते हैं ये केबल है, तो केबल में देख सकते हैं यहां पे 10 एम्पियर 250 वोल्ट देख सकते हैं, तो 250 वोल्ट तक यहां तक ये हमारा ये कवर कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस केबल जो है, इस केबल को आप कहीं एसी कनेक्शन के जगह पे भी इसको कर सकते हैं, उसी केबल को यहाँ पे लगाया गया है। तो इस तरह से इसमें डिजाइन है, देख सकते हैं यहाँ पे, इसको देख लीजिएगा। तो इस केबल को आप देख के गलती मत कीजिएगा, ये हमारा डीसी यहाँ पे 12 वोल्ट बैटरी से चलने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए हमारा B20 केब जो है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर देखिए ये वायर आपका अंदर डायरेक्ट घुसा हुआ है, और इसमें देखिए इस तरह से ये
एक होल्ड करने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। और इसका यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिज़ाइन किस तरह से है। इस डिज़ाइन को भी देख के आपको कुछ अच्छा ही लगा होगा, देख सकते हैं इसका। पर देखिए यहाँ पे बाहर में जो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो होल दिया रहता है, तो इसमें क्या होता है, समस्या ये है कि इसे अंदर में पानी घुसने का समस्या बन जाता है। तो देखते हैं इस एलईडी बल्ब का यहाँ पे फाइबर बॉडी है, तो फाइबर बॉडी में देखिए यहाँ पे इसको ओपन भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान तरीक़ा से ये खुल जाएगा। तो चलिए मेरा अपना तरीका ही मैं अपनाता हूँ इसमें। तो देखिए ये खुल गया इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस एलईडी बल्ब का जो है यहाँ पे 7 वाट का हमारा एलईडी बल्ब है जो बैटरी से चलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगा ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक रजिस्टर है, यहाँ पे दूसरा रजिस्टर है और यहाँ पे तीसरा रजिस्टर है। तो यहाँ पे देखिए 3 रजिस्टर हमारा लगा हुआ है। और देखिए यहाँ पे ये हुआ हमारा एक रजिस्टर हमारा 3 LED को यहाँ पे कवर कर रहा है। यहाँ पे सीरीज में ये LED लगे हुए हैं, तो यहाँ पे भी देखिए सीरीज में लगे हुए हैं और यहाँ पे भी सीरीज में लगे हुए हैं। तो इसमें देखिए सबसे जो मेन हमारा फॉल्ट जो यहाँ पे हम दिखाई दे रहे हैं, अगर किसी को फॉल्ट यहाँ पे आपको पहले पता चल गया हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और किस जगह से आप किस शहर से देख रहे हैं अपना शहर का नाम भी ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि इस LED बल्ब को आप भी पहले कभी रिपेयर कर चुके हैं तो आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा LED बल्ब आप भी रिपेयर करना चाहते हैं तो देखिए ये LED बल्ब के अंदर में ऐसा क्या है इसमें भी आपको देख लीजिएगा। ना ही इसमें हमारा ये वायर है, तो वायर को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा इस तरह से यहाँ पे आया हुआ है। तो आने के बाद में देखिए यहाँ पे इसके अंदर में और कुछ भी सर्किट नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लेन है और इस सर्किट में देख सकते हैं इस MCPCB में ही यहाँ पे ये एल्युमिनियम का नहीं है, ये हमारा सर्किट है जो नॉर्मल सर्किट दिखाई देता है। जो भी हमारा LED बल्ब का जो सर्किट होता है उसी तरह का ये सर्किट है, उस सर्किट में ही यहाँ पे हमारा प्रिंट किया हुआ है और उसी प्रिंट किया हुआ इसमें ही हमारा LED को लगाया गया है, तो देख सकते हैं। और यहाँ पे जो फॉल्ट हमारा मेन यहाँ पर नहीं जलने का रीज़न है, तो देखिए एक वायर जो है यहाँ पर हमारा काला पड़ चुका है और यहाँ पे जल चुका होगा या फिर किसी भी कारण से यहाँ पे देखिए इसका वायर टूट चुका है, क्योंकि ये LED बल्ब जो है इस तरह से बाहर लटक जाता है और लटकने के बाद में देखिए यहाँ पे कोई भी ग्रिप या कुछ भी नहीं है कि इस वायर को होल्ड हो सके। तो इसमें हो सकता है कस्टमर ने इसमें उतार चढ़ाव करते या खींचते मारते कुछ भी करते ऐसा ही प्रॉब्लम में ये वायर जो हमारा मुड़ के खींचा के ये टूट चुका है, तो इसको पता नहीं था कि कस्टमर इसको जोड़ पाए। तो देखिए ये LED बल्ब में ऐसा कुछ फॉल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, मेन इसमें कुछ कंपोनेंट है भी नहीं, सिर्फ इसमें LED ही लगे हुए हैं। और इसमें देख सकते हैं तो यहाँ पे ये जो है सारे के सारे, तो चले मैं इसको थोड़ा सा एक बार आपको चेक करा के दिखाई देता हूँ कि इसमें कुछ प्रॉब्लम से ये कटा है या फिर आपका कुछ और भी इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो मल्टीमीटर लिया और मल्टीमीटर को यहाँ पर कंटिन्यूटी के रेंज में सेट कर लेता हूँ मैं। अब कंटिन्यूटी के रेंज में सेट करने के बाद में यहाँ पे देख लीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी के रेंज में आपको सेट कर लेना है। उसके बाद में देखते हैं क्या ये हमारा SMD LED जो है, तो देखिए इस साइड से हमारा ये ग्लो नहीं किया, तो इस साइड से देखिए यहाँ पे हमारा ग्लो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी ग्लो कर रहा है, यहाँ पे भी ग्लो कर रहा है, तो देखिए इसको भी आप मल्टीमीटर की प्राट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ये LED भी सही है, यहाँ पे इस LED भी सही है, तो देखिए ये भी सही होगा क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मल्टीमीटर की प्राट को हम चेंज कर लेते हैं, देखिए ये भी सही है, ये भी सही है। तो देखिए सारे SMD LED जो है यहाँ पे जल रहा है। चलिए इसको ओम्स में सेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 49-50 का समथिंग यहाँ पे हमारा रीडिंग शो कर रहा है, देख सकते हैं। तो ये भी हमारा रीडिंग शो कर रहा है, ये भी हमारा रजिस्टर जो है SMD रजिस्टर,
तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 47, 48, 49, 50 के समथिंग यहाँ पे हमारा रीडिंग शो कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा ये सही है, किसी भी तरह का ये एलईडी जो है ख़राब नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए एक बार इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करके देख लेते हैं इस वायर को। तो वायर को कनेक्ट करने के लिए देखिए, तो सबसे पहले इसका वायर को यहाँ पे हमारा थोड़ा सा इसको छीलना होगा। छील लेने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह से जो फ्लक्स होता है तो उस फ्लक्स को यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद में इसको सोल्डिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोल्डर वायर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सोल्डर वायर थोड़ा सा इसमें पहले लगा लेता हूँ, और लगाने के बाद में देखिए इसमें जो इसका वायर है, इसका वायर को यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया मैंने। उसके बाद में देखिए यहाँ पे अगर कुछ भी सोल्डिंग उठपटांग हो जाता है तो इसको थोड़ा सा आपको देख लेना है। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से करके सोल्डिंग कर दिया है। तो सोल्डिंग करने के बाद में देखिए इसको यहाँ पे फिट करते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए इसको फिट करने का तरीका जो है, यहाँ पे इसमें जो होल छोटा छोटा जो दिखाई दे रहा है उसी में ही एक होल में यहाँ पे एक लगेगा एक कोना, और दूसरा होल जगह लगेगा इस कोने में, और लगने के बाद में देखिए जो दूसरा और तीसरा चौथा। तो यहाँ पर इस तरह से लगा के इसको आपस में इस तरह से बैठा देना है, और इस तरह से करके इसको कर देना है। इसमें देखिए कोई हीट सिंक वगैरह कुछ भी इसमें नहीं है, ये नॉर्मल सा ही सर्किट में ही लगा हुआ है, और इसी से ही ये हमारा ग्लो कर जाता है। तो फिर बाद में कर लेंगे इसको। चलिए एक बार यहाँ पे लगा के चेक करके देख लेते हैं क्या ये हमारा जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो इसका कवर को मैंने निकाला, तो यहाँ पे देखिए इसका कवर को मैंने निकाल लिया है। अब कवर को निकालने के बाद में देखिए अगर ये इसको कनेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो एलईडी है हमारा ये ग्लो कर रहा है, देख सकते हैं। इसकी जो वायर जो मेन प्रॉब्लम है, इसमें वायर जो टूट चुका था जो खींचने के कारण से, देख सकते हैं। तो इसकी वायर ही हमारा ख़राब हो चुका था। तो ये 12 वोल्ट बैटरी है, बैटरी के अंदर से ही ये हमारा कनेक्ट होता है, और इसी से ही ये हमारा ग्लो करता है। तो चलिए इसका डिफ्यूज़र को यहाँ पर मैं लगा के फिर से एक बार और चेक करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको लगाया, अब यहाँ पे इसको जला दिया। तो देखिए ये जो बल्ब है ये जल रहा है, देख सकते हैं, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा रोशनी मिल रहा है, देख सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारा बैटरी जो कितना चार्ज है या नहीं है, ये इंडिकेटर इसमें समझ लीजिएगा इस स्प्रे टंकी का। तो चलिए इसको निकालते हैं। अब ये बन के तैयार हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं है, ये अब जल रहा है, देख सकते हैं। तो इसका जो डिज़ाइन और इस तरह से मॉडल होता है, तो इसको देखने के बाद में आपको घबराना नहीं है, आसानी से इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस एलईडी बल्ब को मैंने रिपेयर कर दिया है, जो एक छोटा सा फॉल्ट था जो किसान भाई के लिए ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत समस्या बन चुका था। तो चलिए इस वीडियो में आपको ज़रूर कुछ नॉलेज मिला ही होगा दोस्तों। तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो को देख के अपना एलईडी बल्ब भी या इस तरह का स्प्रे टंकी का भी एलईडी बल्ब को आसानी से रिपेयर कर पाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि किसान भाइयों तक ये पहुँच सके। तो चले दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर दोस्तों।